पूर्व जयपुर महापौर ज्योति खंडेलवाल ने सोनिया गांधी को पत्र लिखा है। जयपुर में आयोजित कांग्रेस की महारैली को रद्द करने को लेकर ये पत्र लिखा और इस पत्र में लिखा है कि कोरोना और ओमिक्रॉन के बढ़ते मामले चिंता का विषय हैं। ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों की गंभीरता को ध्यान में रखना जरूरी है। और आगे उन्होंने पत्र में लिखा कि मुख्यमंत्री गहलोत भी कोरोना और ओमिक्रॉन को लेकर चिंता जता चुके हैं। उधर CDS बिपिन रावत समेत सैनिकों के निधन से देश में शोक की लहर है, ऐसे में क्या रैली करना उचित होगा। और हमारे साथ ब्यूरो चीफ योगेश शर्मा जुड़ गए हैं। योगेश जी, तो अब ज्योति खंडेलवाल जिन्होंने पत्र लिखा है सोनिया गांधी को और तमाम बातें लिखी हैं कोरोना को लेकर, ओमिक्रॉन को लेकर, CDS के निधन को लेकर। देखिए, बहुत बड़ी खबर इसलिए है क्योंकि कांग्रेस के किसी नेता ने इस तरह रैली को स्थगित करने की बात की पूरे देश भर में। ये पहला ऐसा बयान है किसी नेता का जिन्होंने इस तरह की बात की हो। और उन्होंने सोनिया गांधी को अपना लेटर मेल किया है। ज्योति खंडेलवाल ने कहा है कि जिस तरह का नया वेरिएंट कोरोना को लेकर आया है ओमिक्रॉन, और उसके जो जिस तरह के दुष्परिणाम सामने आ रहे हैं और जिस तरह से फैल रहा है, राजस्थान और जयपुर में भी केस आए हैं, तो ऐसे में जन भावनाओं के अनुरूप फैसला लेना चाहिए और रैली को स्थगित करने का विचार आला कमान को करना चाहिए। और आज जो हादसा हुआ, हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, चौपर जनरल रावत उसमें सवार थे, अन्य सैन्य अफसर थे और साथ ही उसकी पत्नी भी थी, उस हादसे के बाद भी देश में जिस तरह का वातावरण है उसके मद्देनजर भी रैली को स्थगित करने की बात और विचार करने की बात उन्होंने आला कमान से गुजारिश की है और इस संबंध में उन्होंने सोनिया गांधी को पत्र लिखा है। जयपुर की ज्योति खंडेलवाल मेयर रह चुकी हैं, लोकसभा का वो चुनाव लड़ चुकी हैं, प्रदेश कांग्रेस की महासचिव थी सचिन पायलट की टीम में, तो एक तरह से कहा जाए तो और जो कमेटी बनी हुई है रैली की तैयारियों से जुड़ी, उन कमेटी में भी ज्योति खंडेलवाल शामिल है। आज कुछ देर पहले ही वो सब जहाँ सभा होनी है वहां पर भी वो मौजूद थी, वहां गई थी वो तैयारियों के संबंध में, और उसके बाद ज्योति खंडेलवाल ने लेटर सोनिया गांधी को लिखा है। तो एक सवाल उन्होंने खड़ा किया है कि कोरोना के बढ़ते प्रकोप के मद्देनजर क्या जन भावनाओं के अनुरूप क्या रैली करना उचित होगा। ये यक्ष प्रश्न अपने नेतृत्व के सामने ज्योति खंडेलवाल ने खड़ा किया है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया योगेश जी पूरी जानकारी के लिए।